स्वागत है आपका टीवी न्यूज में। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का मून मिशन आर्टेमिस 1 आज लॉन्च हो गया है। वहीं आपको बता दें, इस मिशन ने आज फ्लोरिडा के कैनेडी में भारतीय समय अनुसार यानी कि 12:17 पर उड़ान भरी। इसका ओरिजिनल समय सुबह 11:34 का था। इससे पहले 29 अगस्त और 3 सितंबर को भी लॉन्चिंग की कोशिश हुई थी, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी और मौसम खराब होने के चलते इन्हें टालना पड़ा था। नासा के मुताबिक लॉन्च के कुछ मिनट बाद ही रॉकेट की अपर स्टेज ने ओरियन स्पेस क्राफ्ट को चांद की तरफ छोड़ दिया है। सोमवार को ओरियन चंद्रमा की सतह के 96.5 किलोमीटर पास से गुजरेगा। कुछ हफ्ते स्पेस में बिताने के बाद यह 11 दिसंबर को प्रशांत महासागर में आ गिरेगा। बता दें कि सुबह से रॉकेट में हाइड्रोजन गैस लीक हो रही थी, जिससे वैज्ञानिकों ने समय पर ठीक कर दिया। वहीं हाल ही में फ्लोरिडा में आए तूफान निकोल ने मिशन को नुकसान पहुंचाया था। स्पेसक्राफ्ट का एक पार्ट ढीला होकर निकल गया था, हालांकि इसे भी वक्त रहते फिक्स कर दिया गया था। वहीं आपको बता दें, नासा का मून मिशन आर्टेमिस 1 अब लॉन्च हो चुका है। और भी खास खबरें जानने के लिए जुड़े रहें डीवी न्यूज़ से।